नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए सांख्यिकी के पहले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ एनसीईआरटी बुक से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की है। जितने भी स्टूडेंट, भले वो 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, उनकी सांख्यिकी की बुक है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू जो है एनसीईआरटी बुक से है, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छा लगने पर जरूर लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या क्या है। ऑप्शन दे रखा है स्वास्थ्य, दूसरा सुरक्षा, तीसरा आयात तथा निर्यात और चौथा है दुर्लभता। आप मुझे बताइए, क्योंकि पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सांख्यिकी का। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आपको तीनों जगह पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सांख्यिकी की, ठीक है। वहां पे जाके आप देख सकते हैं दोनों, पहले इससे पार्ट, इससे पहले एक नंबर वाले क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर मैंने एक ही में पढ़ाया था। 1 घंटे का वीडियो है, आप उसे देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मूलभूत समस्या। मूलभूत यानी जिससे अर्थशास्त्र का अस्तित्व में आया, यानी अर्थशास्त्र आज अस्तित्व में है। आज हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसकी मानव जाति को क्यों जरूरत पड़ी, तो उसकी मूलभूत समस्या क्या है। उसकी मूलभूत समस्या स्वास्थ्य नहीं है, ना ही सुरक्षा है, ना ही आयात तथा निर्यात है। उसका सही आंसर है दुर्लभता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो संसाधन हैं, पहली बात तो वो दुर्लभ हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग है। अब वैकल्पिक प्रयोग है तो हमें उनका क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। तो जहां पे दुर्लभता है वहां पे चुनाव भी है, और जो चुनाव दुर्लभता के वजह से ही अर्थशास्त्र आया है, और अर्थशास्त्र हमारी चुनाव में मदद करता है कि हम इन दुर्लभ संसाधनों को किस प्रकार से प्रयोग करें कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। यानी अगर हमारे पास जो पीने योग्य पानी है, ठीक है, ये पीने योग्य पानी हमारे पास कैसा है, दुर्लभ है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कितना उपभोक्ता क्षेत्र को, उपभोक्ता को दे, कितना उत्पादक, कितने समाज को दे, है ना, कौन से राज्य को कितना दे। सिंपल सी बात है, तो हमें चयन करना पड़ेगा क्योंकि कम है। अब कम है तो चुनाव करना पड़ रहा है, तो कम है और उसका वैकल्पिक प्रयोग है। पहली बात ये दुर्लभ है, दूसरी बात इसका वैकल्पिक प्रयोग है, क्योंकि पानी का हम अनेक कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात, तो मूलभूत समस्या जो हो गई वो हो गई हमारी दुर्लभता। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। अब जरा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जा सकता है कि लोग डैश कैसे करते हैं का अध्ययन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास अपने असीमित संसाधनों का प्रयोग, अपने असीमित संसाधनों का प्रयोग, असीमित पे फोकस करें। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, स्वास्थ्य पे फोकस करें। दुर्लभता पर प्रचुरता का चुनाव, दुर्लभता पर प्रचुरता का चुनाव तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है, माफी चाहता हूं दोस्तों ये बार बार आ रहा है, चौथा ऑप्शन हमारा दे रखा है कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति। आप मुझे बताइए क्या है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि दुर्लभ, ये जो अर्थशास्त्र है इसकी मूलभूत समस्या है दुर्लभता, और दुर्लभता जहां पे होती है वहां पे चुनाव तो करना ही पड़ता है, यानी चयन तो करना ही पड़ता है। और चयन हमें इसलिए, हमें अर्थशास्त्र ये बताता है कि अगर कोई संसाधन दुर्लभ है तो आप उसका सर्वोत्तम प्रयोग कैसे करें कि उससे आपको प्रचुरता,
यानी जितना सर्वोत्तम आप प्रयोग कर सकते थे उतना कर सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी, यानी का हमारा सही ऑप्शन है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, बट पहले मैंने आपसे कह ही दिया जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, गा हमारा सही आंसर है। अब लेते हैं हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आपसे एक आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया डिस्कस की थी, वन मार्क्स क्वेश्चन में, यानी जो एक नंबर के प्रश्न होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है, और गैर आर्थिक ऐसी होती है जिससे आय का सृजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। मेरा दोस्त अतुल जो एक गायक है ठीक है, कि आज के दो क्रियाकलापों नीचे दिए गए हैं। पहले उसने क्या किया, पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, सुबह उसने गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया और फीस के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त किए, यानी वो सेवा धारक है। क्या है वो, सेवा धारक है ना, सेवा प्रदाता है ना, प्रदाता है, प्रोवाइडर है, यानी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने एक मंच के लिए गाना गाया, एक स्टेज शो किया और उसे 10,000 रुपये मिले। शाम को उसने क्या किया, शाम को उसने उसकी 4 वर्षीय बेटी का जन्मदिन पर घर पर मनाया और उसके लिए उसने एक गाना गाया, यानी अपनी 4 साल की बेटी के लिए उसने अपने घर पे खुद के लिए गाना गाया। तो देखिए पहला जो है ये एक आर्थिक गतिविधि है, क्योंकि इसमें आय का सृजन हुआ है, उसे उसकी सेवा के बदले में 10,000 रुपये का मेवा मिला है। ठीक है, और शाम को उसने अपनी खुद की बेटी के लिए गाना गाया है जो 4 वर्ष की है और जिसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है क्रियाकलाप फर्स्ट, जो फर्स्ट है एक आर्थिक क्रिया है और जो सेकंड है वो एक गैर आर्थिक क्रिया, ऑप्शन एक में। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है कि पहली वाली गैर आर्थिक है और दूसरी वाली आर्थिक है। तीसरा, पहली और दोनों आर्थिक क्रियाएं हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है पहली और दूसरी दोनों गैर आर्थिक है। आप मुझे सोच के बताइए कि क्या आंसर लग रहा है आपको। तो देखिए बहुत ही सिंपल, पहली वाली आर्थिक है क्योंकि उसे अपनी सेवा के बदले में मेवा मिला है, सिंपल सी बात। दूसरे वाले में उसने मनोरंजन के लिए, उत्साह के लिए गाया जिसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिला, तो ये गैर आर्थिक हो गई। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमारी आर्थिक है और जो सेकंड है वो हमारी गैर आर्थिक है, क्योंकि पहली वाली से आय, एक देश की अर्थव्यवस्था में आय का सृजन हो रहा है, दूसरी वाली से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ जी सर, हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ कमी रह जाती है दोस्तों तो मुझे ज़रूर बताया करें, अगले वीडियो में मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि एक उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं या सेवाओं का, या वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग डैश करता है। अब डैश में क्या आएगा, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा है पहला केवल शिक्षा के लिए, दूसरा अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, तीसरा हमें दे रखा है दूसरों की सहायता के लिए, चौथा दे रखा है पैसा कमाने के लिए। अब देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है यार, मैंने आपको बताया था कि उपभोग क्या होता है। देखिए उपभोग क्या होता है और उपभोक्ता, जो उपभोग करता है वो उपभोक्ता होता है, और उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो अपनी आय का एक हिस्सा व्यय के रूप में खर्च करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या फिर कहीं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो देखिए केवल शिक्षा के लिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, शिक्षा के लिए भी उपभोग किया जाता है,
बट केवल शिक्षा के लिए गलत होगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरों की सहायता के लिए ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए, ये केवल पैसा कमाने के लिए कहीं ऐसा नहीं है। सबसे मेन है हमारा ये अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, संतुष्टि व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि अपनी इच्छाओं की, अपनी आवश्यकताओं की, अपनी जरूरतों की संतुष्टि के लिए ही एक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। तो यहां पे अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए सही ऑप्शन आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ। देखिए गा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है, गैर आर्थिक क्रिया नहीं है यानी आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक नहीं है तो आर्थिक होगी, क्योंकि क्रियाएं तो दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। पहला, नेक काम के लिए रक्तदान करना, नेक काम के लिए रक्तदान करना, इसे देश की आय में कोई सृजन नहीं होगा, तो ये तो आर्थिक क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि आय का सृजन नहीं हो रहा, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। एक माँ द्वारा किए गए घर के लिए काम, अब ये भी, अब जो माँ काम करती है, गृहिणी की जो सेवाएं होती हैं, जो पत्नी की सेवाएं होती हैं, या जो हमारी माताएं बहनें हमारे घर में काम करती हैं, वो सेवाएं होती हैं, उनका बाजारी मूल्य लगाना या अनुमान लगाना संभव नहीं होता, तो इसलिए वो भी एक गैर आर्थिक क्रिया ही होती है। ऐसे पिता द्वारा की गई बच्चे की देखभाल, अब पिता द्वारा की गई देखभाल ये कोई पैसा या आय का सृजन नहीं करती है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अस्पताल में, मतलब ये भी एक गैर आर्थिक क्रिया है, ये भी एक गैर आर्थिक क्रिया है, और ये भी एक गैर आर्थिक क्रिया है। हमसे पूछा है नहीं है, नहीं है इसका मतलब आर्थिक क्रिया पूछा गया है। तो अस्पताल में डॉक्टर द्वारा की दी गई सेवाएं, अब डॉक्टर क्या है, सेवा प्रदाता है, प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर के बदले में उसे फीस मिलती है, क्या मिलती है, फीस मिलती है, तो ये तो आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि कारक सेवा के बदले में मिलने वाली जो भी आय होती है उसे हम आर्थिक क्रिया ही तो कहते हैं, कारक आय तो कहते हैं दोस्तों। तो सही ऑप्शन है हमारा डी यानी का। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, मैं बिल्कुल आपको बाल की खाल बता रहा हूँ, और ऐसा ही मैं पढ़ाना विश्वास रखता हूँ, भले धीरे धीरे पढ़ाया जाए बट ढंग से समझाया जाए, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। छठा क्वेश्चन आज का हम लेते हैं, उपभोग है, उपभोग है, क्या है उपभोग, आपसे पूछा गया है, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, क्या ये उपभोग है, सोचिए। इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग, क्या ये है। सुरक्षा, सुरक्षित कार चलाना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना, आप मुझे बताइए क्या है। देखिए सबसे मेन वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करना, ये तो उपभोग नहीं है। नेक्स्ट, सुरक्षित कार चलाना, ये भी कोई उपभोग नहीं है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना, ये तो साफ साफ है उत्पादन है, उपभोग तो हो ही नहीं सकता। तो बच गया हमारे पास ऑप्शन ग। तो ऑप्शन ग यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करना। आपकी इच्छा हो रही थी समोसा खाने की, आपकी इच्छा हो रही थी कार खरीदने की, आपकी इच्छा हो रही थी कि मकान खरीदने की, कपड़े खरीदने की, आप गए और पैसे आपने ठंडे कर दिए, क्योंकि पैसे उछल रहे थे, आप बहुत ज्यादा उछल रहे थे, तो आप भी उछल गए और सीधे मार्केट पहुंचे और आपने कुछ खरीद लिया। मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लग रहा हो, तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालने की और थोड़ा इंटरेस्ट डालने की कोशिश कर रहा था, कि मैं थोड़ा सा मजाक करता हूँ जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ अपने विद्यार्थियों के साथ, तब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा भाई। तो देखिए ग जो है हमारा, इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए गा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम देखते हैं अपना आज का सातवां क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन से
आर्थिक क्रियाएं नहीं कही जाएगी, आर्थिक क्रियाएं नहीं की जाएगी, कही जाएगी। पहले पूछा था गैर आर्थिक क्रिया नहीं है, यहां पे पूछा है आर्थिक क्रिया नहीं है। बैंकिंग पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सुजाता द्वारा अपनी मां की सहायता, एक गांव में खेती करना, बाजार में दुकानदारी करना। देखिए दोस्तों पहला, देखिए पहला नहीं पूछा गया। तो बैंकिंग तो क्या है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इससे आय के स्तर में, उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पादकों को बैंक ऋण उपलब्ध कराता है जो कि वो उत्पादन के कारकों को खरीदने में प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो आय बढ़ती है, और आय बढ़ रही है तो ये तो आर्थिक क्रिया हो गई, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा, सुजाता द्वारा अपनी मां की सहायता, अब ये भी नहीं, क्योंकि ये तो गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि सहायता करने से उत्पादन या फिर आय पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो ये भी एक क्या है, गैर आर्थिक क्रिया। सॉरी, हमसे यही तो पूछा है गैर आर्थिक। तो ये देखिए, पहले इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। एक गांव में खेती करना, तो ये तो क्या है, खेती करेंगे, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में तो आय में, तो ये भी हमारी क्या है, आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया। मैं राइट का निशान लगा देता हूँ, ये आर्थिक क्रिया है, हमसे नहीं पूछा है, तो ये दोनों पे राइट लग गया। बाजार में दुकानदारी करना, ये भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि पैसा कमाएगा वो व्यक्ति, सिंपल सी बात। बट सुजाता द्वारा अपनी माँ की सहायता करना, या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, ये एक आर्थिक सहायता है, और सॉरी गैर आर्थिक क्रिया है, हमसे आर्थिक क्रिया नहीं पूछी गई थी, यानी अल्टीमेटली आपसे गैर आर्थिक क्रिया पूछी गई थी। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एट क्वेश्चन की तरफ। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के कारक है, उत्पादन के कारक है मैनेजर, श्रम, कच्चा माल, भूमि, मशीन, उद्गम, बिजली, श्रम, उद्गम, भूमि, श्रम, पूंजी, पैसा, उद्गम, मतलब ये सारे ऑप्शन है। आप मुझे बताइए कौन सा है, क्योंकि ये ना मैं जितने दिनों से समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, रोज बोलता हूँ, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले ये ही वर्ड बोलता हूँ, क्या है हमारा। देखिए आपको पता है चार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम प्राथमिक कारक भी कहते हैं उत्पादन के, यानी प्राइमरी इनपुट्स कहते हैं इन्हें, प्राथमिक कारक, ठीक है, जो कि क्या है, लेबर, कैपिटल, लैंड, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी छात्र उद्गम वृत्ति। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देखिए उद्गम है इसमें, भूमि है, श्रम है और पूंजी है, बाकी इनमें भी ये भी है कच्चा, बट ये हमारे बेसिक है उत्पादन के कारक। और अच्छा होता ये यहाँ लिखा होता कि उत्पादन के प्राथमिक कारक, उत्पादन के प्राथमिक कारक लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट मैं मानता। तो इसका ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, आई होप आपको अगेन समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, नाइन्थ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। देखिए सेवा प्रदाता वह व्यक्ति होता है, सेवा प्रदाता, एक सेवा धारक होता है, एक सेवा प्रदाता होता है। सेवा प्रदाता वो होता है जो कोई विशेष किस्म की एक सेवा उसके पास होती है, जैसे टीचर के पास, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, है ना, इनके पास एक विशेष प्रकार की एक विशेष किस्म की सेवा होती है, जिसके बदले में ये मेवा कमाते हैं, यानी फीस कमाते हैं, है ना, कारक आय कमाते हैं, तो उस व्यक्ति को हम सेवा प्रदाता कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। तो ऑप्शन है हमारा पहला, सेवा का उपभोग करता है, तो सेवा का उपभोग करता है वो सेवा प्रदाता नहीं होता है, ये तो सेवा को देने वाला होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेवा का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो देखिए ये जो हमारा ऑप्शन है, आप जरा यहाँ पे देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेवा, सॉरी देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो ग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सेवा का उत्पादन करता है, उत्पादन, एक एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कारपेंटर, एक मिस्त्री, ये सेवा का उत्पादक होता है,
उत्पादक, क्योंकि ये सेवा के बदले में, इनके पास एक सेवा होती है, उस सेवा के बदले में ये कारक आय करते हैं। तो सेवा प्रदाता का मतलब सर्विस प्रोवाइडर होता है, इज इट क्लियर। तो देखिए ये सेवा का उपभोग नहीं करता है, ठीक है, ये वस्तुओं का उपभोग भी नहीं करता है क्योंकि वो तो उपभोक्ता होता है, और ये वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं करता क्योंकि वो तो उत्पादक होता है। सेवा प्रदाता सेवा का उत्पादन करता है, सेवा जो उत्पादन करता है वो सेवा प्रदाता होता है। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आ रही है और आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं अच्छे और बहुत ही ज़्यादा डीप में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बाल की खाल बताता हूं और शायद ही बहुत कम टीचर्स होंगे जो ऐसे आपको डिटेल में बताते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, पर जितना दोस्तों मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से 10-11 साल के, उससे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने भारत को बढ़ने में और पढ़ने में मदद करनी है। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और मैं अपना ये संदेश, हाँ वाला संदेश मुझ तक पहुँचाएं। तो पढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, अगेन पूछा गया आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया नहीं है तो यार सिंपल सी बात है, गैर आर्थिक क्रिया है। अधिक से अधिक बचत करना आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया नहीं है, अधिक से अधिक बचत करना। दूसरा है वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना, ये तो आर्थिक क्रिया होगी, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना ये भी आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि उपभोग करना और उत्पादन करना दोनों ही आर्थिक क्रिया है। उपभोग और उत्पादन ये दोनों ही सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है। पूंजी निर्माण करना, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदना, तो ये भी एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे आय के स्तर में, पूंजी के स्तर में, सॉरी उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी इन तीनों से, और उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी तो आय में के स्तर में वृद्धि होगी, और जब आय के स्तर में वृद्धि होगी दोस्तों तो भैया सिंपल सी बात है वो आर्थिक क्रिया है, यानी आर्थिक गतिविधि है। बट अधिक से अधिक बचत करना ये एक वापसी है, अर्थव्यवस्था में क्या है, ये लीकेज है, लीकेज जिसे हम शरण बोलते हैं, यानी लीकेज इंग्लिश में सही है, वापसी जिसे कहते हैं, बचत करना वापसी है। हाँ बट अगर उसी बचत को आप बैंक में रख देते हो, उसी बचत को आप शेयर मार्केट में रख देते हो, तो आपको तो फायदा होता है, पर देश में भी उत्पादन के स्तर में और उपभोग के स्तर में, यानी उत्पादन के स्तर में भी वृद्धि होती है और आय के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि बचत को हमेशा बैंकों में रखी जाए, ना कि तिजोरियों में रखी जाए, क्योंकि जितना तिजोरी में कैश रहेगा वो देश के लिए एक तरीके से लीकेज, यानी एक नाली है, अगर दो दो क्षेत्र है उनके बीच में फ्लो हो रहा है तो उसमें ये एक तरीके से कूड़े का काम करेगा, लीकेज करेगा, उस फ्लो को बाधित करेगा। आपको आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, मैं कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलने लग जाता हूँ। तो ये अधिक से अधिक बचत करना एक आर्थिक क्रिया नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो भले लंबा मैं बनाता हूँ, बट अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं और अभी तक आप हैं तो आपको मैंने पूरा ढंग से समझाया है दोस्तों। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सोकार रखती है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों से सोकार रखती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप से सत्य होते हैं, सांख्यिकी आंकड़े एक समान व समरूप होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी क्या है, मैंने आपको दोबारा सा थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी का जो अर्थ है वो एक वचन के रूप में अलग होता है और बहुवचन के रूप में अलग होता है। बट आप इतना समझ लीजिए, कोई भी आर्थिक आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा जो कोई इंफॉर्मेशन देता हो, आंकड़ा ये नहीं कि ये 5 एक नंबर है तो ये सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते, बट सांख्यिकी में आंकड़ों का ही प्रयोग होता है। बट वो आंकड़ा किससे रिलेटेड होना चाहिए, उत्पादन से, उपभोग से, निवेश से। जैसे 5 लाख का निवेश बढ़ा देश की अर्थव्यवस्था में, तो ये जो 5 लाख है ना, ये एक आंकड़ा है,
और इससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है। तो ये आर्थिक पक्ष को तो दिखा रहा है। तो आंकड़े जितनी भी संख्याएं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश की सरकार या उस देश के नागरिकों के आर्थिक पहलू को बताती है, जो अर्थशास्त्र से उनकी आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड होती हैं, तो ऐसे आंकड़ों का ही जब हम अध्ययन करते हैं, संकलन करते हैं, उसका व्यवस्थीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, है ना, 5 स्टेप में करते हैं, और फिर बाद में हम उसकी तुलना करते हैं, तो वो सांख्यिकी है, वो ही सांख्यिकी है। यानी सभी संख्यात्मक आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते हैं, पर सभी संख्यात्मक मतलब यानी आंकड़े वही सांख्यिकी कहलाएंगे जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी समग्र बात को बता रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी की सीमाएं कमियां बताई थी। मैंने आपको बताया था एक बहुत अच्छी तरीके से कि सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, है ना। तो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है इसमें, देखिए सत्य तो ये है, पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से सत्य है। अभी आप नहीं को जरा हटाओ। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सोकार रखती है, आपको मैंने बताया था, ये उसकी एक सीमा है, ठीक है, ये उसकी एक सीमा है। दूसरा, सांख्यिकी में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान या जीव विज्ञान की तरह सटीक नहीं होते हैं दोस्तों, वो औसत दर्जे के होते हैं। मतलब सांख्यिकी एक क्या है, साइंस है, विज्ञान है, बड़ी भौतिक विज्ञान की तरह नहीं है, रासायनिक विज्ञान की तरह नहीं है कि अगर आप एनी को सीए से रिएक्ट कराओगे तो NaCl बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड नमक बन जाएगा जो आप खाते हैं। यानी सोडियम को अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये ऐसा साइंस नहीं है। तो इसलिए भी इसमें जो सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों बातें, क्योंकि सांख्यिकी ऐसी आंकड़ों की बात करता है जो एक जैसे हों, समरूप हो, अलग अलग 10 तरीके के आंकड़ों को नहीं कर सकती हैं, इसलिए कह रहा हूं सारे आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते, ठीक है ना। तो समरूप होने भी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों बातें तो सत्य है, तो सत्य असत्य कौन सी है? ये सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों से सोकार रखती है, क्योंकि ये तो इससे सोकार रखते ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी है, क्योंकि सत्य नहीं है, यानी असत्य है ये, क्योंकि ये तो तीनों क्या हो गए, सत्य। तो मैं ये टिक हटा देता हूं ताकि आप समझ पाए। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, हमारा ग बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं और मैं मेरी द्वारा समझाई गई बातों को आप समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सांख्यिकी सोकार रखती है, सोकार रखती है मतलब किससे संबंध रखती है? केवल मात्रात्मक आंकड़ों से, केवल गुणात्मक आंकड़ों से, ना तो गुणात्मक ना ही मात्रात्मक आंकड़ों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सांख्यिकी का जो अध्ययन किया जाता है ना, हम इसे समष्टि अर्थशास्त्र में यूज करते हैं, व्यष्टि में करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं, है ना, बहुत जगह पे हम इस सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। बट वहां पे आप अगर स्टॉक मार्केट का, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो स्टॉक मार्केट में सारे के सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जिसकी मेजरमेंट की जा सकती है, मेजरमेंट स्टॉक मार्केट मेजरमेंट। तो सांख्यिकी की एक लिमिट है कि ये केवल और केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सोकार रखती है, गुणात्मक आंकड़ों से नहीं रखती। और ऐसा भी नहीं है कि ना गुणात्मक, ऐसा भी नहीं है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मात्रात्मक बिल्कुल सही है। मात्रात्मक जिसे आप, मात्रात्मक आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जिसकी मेजरमेंट की जा सकती है, मेजरमेंट जिसे नापा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि की दर क्या होती है जो जिसको नापा जा सकता है, उपभोग को आप मेजर कर सकते हैं, निवेश को, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है, देशीय आय का आकलन किया जा सकता है, आकलन जिनका आकलन किया जा सकता है यानी मेजरमेंट की जा सकती है, ऐसी आंकड़ों से सांख्यिकी की सोकार रखती है। गुणात्मक ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति, ऐसे आंकड़ों से वो सोकार नहीं रखती है, इनका अध्ययन वो नहीं कर सकती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सांख्यिकी विधि के चरणों का सही क्रम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लीजिए ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंकड़ों का क्रम क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब सांख्यिकी को हम एज ए टूल एज ए उपकरण प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम आंकड़ों का संकलन करते हैं यानी संग्रहण करते हैं, फिर हम उनका व्यवस्थीकरण करते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आंकड़ों का संकलन है, ठीक है, संग्रहण है यानी कलेक्शन है, फिर संगठन है यानी क्लासिफाई है, फिर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है ना, प्रस्तुतिकरण, फिर एनालाइज है, फिर निर्वाचन है यानी व्याख्या है ना। ये ऑप्शन ये आपको सही लग रहा है, या पहले संगठन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है दूसरा, तो बिगाड़ के लिख रखा है। इसका सही क्रम तो यही है कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पहले संग्रहण किया जाता है, फिर संगठन किया जाता है, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है उसके प्रत्येक पहलू पे, फिर उसकी व्याख्या की जाती है जिस उद्देश्य के लिए उसको किया था। तो ये बिल्कुल सही है, आपने याद रखना है। कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, एनालाइज हो गया, और इंटरप्रिटेशन बोलते हैं यानी व्याख्या करना हो गया। तो ये आपका 13वां क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। अब देखते हैं क्या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो बड़े क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो इस चैनल से और कुछ कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे दें, मैं आपके सुझाव को ज़रूर अमल में लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।